Good morning, my dear little kids. How are you all? I hope you all good and fine. So, which day is today? Today is Saturday. S-A-T-U-R-D-A-Y. Saturday. And Saturday means शनिवार. एंड शनिवार को आपका कौन सा टर्न है? मैथ्स एंड जीके. सो फर्स्ट क्लास इज योर मैथ्स क्लास. और आज हमारी फर्स्ट क्लास कौन सी है? मैथ्स की क्लास. सो टुडे मैम इज गोइंग टू टीच यू शेप नेम. आज मैम आपको पढ़ाएंगी शेप्स नेम. व्हाट इज मीनिंग शेप? शेप का मीनिंग क्या होता है? आकार. शेप का मीनिंग क्या होता है बेटा? आकार. तो हम अपने आसपास बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं ना, और सब क्या होती हैं? अलग अलग शेप में होती है ना, अलग अलग आकार में होती हैं. सो स्टूडेंट्स, हम अपने आसपास जो भी चीज़ देखते हैं वो सब किसी न किसी शेप में होती हैं, किसी न किसी आकार में होती हैं ना. सबका एक अपना अलग आकार होता है. ओके, चलिए अब मैम आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखा रही हैं, आप उसके थ्रू समझिए. ओके, विच इज दिस? ये क्या है? कंगन है ना, मम्मा का कंगन, चूड़ी. सो इसका शेप कैसा है? देखिए, सर्कल. इसको क्या कहते हैं? सर्कल. ये सर्कल के शेप में है. एंड मम्मी रोटियां कैसे बनाती हैं? गोल गोल, ऐसे ही ना, सर्कल जैसी. और दादाजी का चश्मा कैसा होता है? ऐसे गोल गोल, वो भी तो सर्कल सर्कल जैसा होता है. और सर्कल का एग्जाम्पल बताइए. और मैम जीरो नंबर कैसे देती है? गोल गोल. यस, विच इज दिस? ये क्या है? पेपर वेट. इसको पेपर पे रखते हैं ना, अगर हमारा कागज ना उड़े. ये कैसा है? इसके भी चारों कोने बराबर है. देखिए, इसके जो फोर साइडेड है, 1, 2, 3 एंड 4, ये फोर कैसे हैं? बिल्कुल इक्वल है. बिल्कुल क्या है? बराबर है. लेट्स सी, बराबर है ना, इसके फोर साइड बिल्कुल इक्वल है, यानी बराबर है. इसे क्या कहते हैं? स्क्वायर. इसे कौन सा शेप बोलते हैं? स्क्वायर शेप. ओके, और जो हम लूडो की वो गोटी खेलते हैं वो भी कैसी होती है? इसके भी चारों कोने बराबर होते हैं ना, वो भी क्या है? स्क्वायर शेप में है. ये क्या है? 1, 2, 3, थ्री साइडेड है ना, इसको क्या कहेंगे? इसमें थ्री साइडेड है ना, इसे ट्रायंगल कहेंगे. क्या कहते हैं? ट्रायंगल. समोसे तो खाते ही होंगे आप लोग, है ना, वो किस शेप में होता है? ट्रायंगल शेप में होता है ना, ऐसे तो होता है. मम्मा जो पराठा बनाती है लंच के लिए वो कैसा होता है? वो भी ऐसे ट्रायंगल होता है ना, 1, 2 एंड 3, उसमें थ्री साइडेड होते हैं, उसे क्या कहते हैं? ट्रायंगल. विच इज दिस? ये क्या है? और ये देखिए, इसे कौन सा शेप बोलते हैं? ओवल. ओवल शेप बोलते हैं इसको. ठीक बेटा, ये पूरी तरह से गोल भी नहीं होता, ये थोड़ा सा ऐसे गोल जाकर और नीचे ऊपर थोड़ा सा मिला होता है. जैसे कि इस शेप में देखिए, ये राउंड है, ये सर्कल है, और ये ओवल है. ओके, लाइक दैट. एग्जांपल एग, अंडा आप लोगों ने देखा होगा ना, पूरी तरह गोल गोल तो नहीं होता. सो वो किस शेप में होता? ओवल शेप में. दिस इज योर बुक. और इसका शेप देखिए कैसा है? अपर एंड लोअर साइड इक्वल है ना, अपर एंड लोअर. राइट एंड लेफ्ट साइड कैसा है हमारा? वो इक्वल है ना, मतलब इसके चारों कोने बराबर नहीं है बेटा. ऊपर का और नीचे का सेम साइज का रहेगा, और अगल बगल का वो सेम साइज का रहेगा. इसको क्या कहते हैं? रेक्टेंगल. जैसे कि जो हमारे घर की दीवारों में ईंट लगती है वो भी किस शेप में होती है? रेक्टेंगल शेप में. ओके, सो आपको शेप नेम समझ में आए? सर्कल, स्क्वायर,
ओवर ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल. वेरी गुड. टेक आउट योर मैथ कॉपी, ओपन न्यू पेज. अब हम अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे शेप्स. ओके, सो लेट स्टार्ट माय डियर किड्स. स्टूडेंट, दिस इज योर मैथ कॉपी. फर्स्टली राइट डाउन डेट 17 जुलाई JULY 2021. सो स्टूडेंट्स, आज मैम आपको बेसिक शेप्स बताएंगी. बी ए एस आई सी बेसिक, एस एच ए पी ई एस शेप्स, बेसिक शेप्स. ओके, तो फर्स्ट शेप इज सर्कल. सर्कल मीन्स क्या होता है? गोला. सी आई आर सी एल ई, सर्कल. एंड सेकेंड शेप इज स्क्वायर. देखिए मैं स्क्वायर कैसे बनाएंगे. ओके, स्टैंडिंग लाइन, वन स्लीपिंग लाइन, अगेन स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन. और ये क्या होता है बेटा? ये कौन सा शेप है? स्क्वायर. स्क्वायर शेप में इसके जो फोर साइड है बिल्कुल इक्वल हैं, यानी कि इसके चारों कोने बराबर हैं. इसे कौन सा शेप बोलेंगे? स्क्वायर. एस क्यू यू ए आर ई, स्क्वायर. नेक्स्ट शेप इज रेक्टेंगल. अब देखिए हम रेक्टेंगल कैसे ड्रॉ करेंगे. स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन. बट इसके जो फोर कॉर्नर्स है वो इक्वल नहीं रहेंगे. अपर एंड लोअर, यानी ऊपर का और नीचे का भाग बिल्कुल बराबर रहेगा. एंड साइड, लेफ्ट एंड राइट साइड, वो आपस में इक्वल रहेंगे. यानी बेटा ये और ये साइड इक्वल है और अपर एंड लोअर साइड इक्वल है. ये आपस में एक बराबर के हैं और ये साइड आपस में एक बराबर के हैं. तो इसको हम क्या कहेंगे? रेक्टेंगल. आर ई सी टी एन जी एल ई, रेक्टेंगल. स्क्वायर एंड रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस है? स्क्वायर जो है उसके फोर कॉर्नर्स बिल्कुल इक्वल है. इसकी ये साइड एंड ये साइड इक्वल है. बट रेक्टेंगल में अपर एंड लोअर इक्वल है, राइट एंड लेफ्ट इक्वल है. ओके, एंड नेक्स्ट शेप इज ट्रायंगल. ये जैसे कि हम ए ड्रॉ करते हैं ना, इसी टाइप में हम ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे. यहां से ऐसे आएगा ये स्लैंटिंग लाइन, एंड अगेन ड्रॉ स्लैंटिंग लाइन, और इसे नीचे से स्लीपिंग लाइन कर देंगे. ओके, ये क्या हो गया बेटा? ट्रायंगल. ट्रायंगल में थ्री कॉर्नर्स होते हैं, वन टू एंड थ्री. इसमें फोर कॉर्नर है ना, इसमें भी फोर कॉर्नर है, बट इसमें कोई कॉर्नर नहीं है. और इसमें कितना कॉर्नर है? थ्री कॉर्नर, वन टू थ्री. इसको हम क्या कहते हैं? ट्रायंगल.
ट्रायंगल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें थ्री कॉर्नर है, 1 2 3। टी आर आई ए एन जी एल ई, ट्रायंगल। ओके एंड नेक्स्ट शेप इज, ओके एंड लास्ट शेप इज ओवल शेप। ओवल शेप कैसा होता है बेटा? ये बिल्कुल से सर्कल नहीं होगा। ओके ये कौन सा शेप है? ओवल शेप, ओ वी ए एल, ओवल शेप। विशेप है सर्कल, सर्कल राउंड राउंड। विशेप है स्क्वायर, स्क्वायर में फोर कॉर्नर है, 1 2 3 and 4, एंड फोर साइड इक्वल और ये बिल्कुल से बराबर हैं। थर्ड इज रेक्टेंगल, 1 2 3 4, रेक्टेंगल में भी फोर साइड है बट 1 and 2, अपर एंड लोअर इज इक्वल, राइट एंड लेफ्ट इज इक्वल, यानी ऊपर और नीचे का बराबर है और दहना और बाया बिल्कुल बराबर है। नेक्स्ट ट्रायंगल, 1 2 3, थ्री कॉर्नर है इसमें, इसको क्या कहेंगे हम? ट्रायंगल। एंड इसमें भी कोई कॉर्नर नहीं है, इसे क्या कहेंगे हम? ओवल। अगेन रिपीट विथ मैम, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ओवल। सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ओवल। वेरी गुड स्टूडेंट, सो दिस इज योर होमवर्क। ओके ये आपका होमवर्क है। आपको अपनी मैथ्स कॉपी में जैसे मैम ने शेप्स बनाए ना, ऐसे आपको अपनी मैथ्स कॉपी में शेप्स ड्रॉ करने हो। ओके बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ साफ जैसे मैम ने कराया ना, ऐसे आप भी अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे एंड लर्न भी करना है आपको। ओके